हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल वैशाली कैंपस में। दोस्तों, एलपी सीबीटी 2 का आपका स्कोर कार्ड आ चुका है, तो अब आप लोग के स्कोर कार्ड नॉर्मलाइजेशन नंबर के बेसिस पे कटअप मैंने तैयार किया है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें और इस कटअप को सही से देखें, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अगर कोई भी डाउट रह जाती है तो कमेंट में ज़रूर बोलें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को पहले ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, आज आपका स्कोर कार्ड आया था कल, उसके बाद आज उसमें कुछ गड़बड़ी थी मार्क्स में, तो उसको फिर से सही किया गया है। लेकिन अभी भी बच्चे के बहुत सारे डाउट बने हुए हैं, किसी के नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़े हैं, किसी के कम हुए हैं, किसी के सेम भी रहे हैं, मतलब ये तीन कंडीशन बची हैं हुई हैं। तो देखिए, आपको साइको के लिए बहुत कम टाइम दिया जा रहा है, आपका 6 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगी और 16 से साइको की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों को क्या करना है उनके लिए पहले बताऊँ, जिनके पार्ट बी में 35% नंबर, मतलब कि 35 नंबर, क्योंकि अब 100 में कैलकुलेट होगा तो 26.25 नंबर नहीं, अब आपको 35 नंबर चाहिए। तो अगर आपके इतने नंबर हैं, अगर पार्ट ए की बात करें, अगर पार्ट बी में 35 नंबर हैं, अगर किसी भी कैटेगरी से हो, जनरल, ओबीसी, एसटी, सभी के लिए वो सेम है, तो आप साइको की तैयारी करें साइको वाली के लिए। अब बात करेंगे कि पार्ट एम की कटअप क्या रहेगी। तो देखिए, पार्ट बी में बहुत सारे लड़के के पार्ट ए में अच्छे नंबर हुए हैं, नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर इंक्रीज हुए हैं, लेकिन पार्ट बी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, मतलब टेक्नीसियन और एएलपी के लिए बताऊं कि यहाँ पे अभी भी 70-75% लड़के पार्ट बी में ही फेल हैं, मात्र उनके 30-35% लड़के आई थिंक मिले हैं। तो देखिए, आपको जब रिजल्ट आएगी तो हो सकता है कि परसेंटेज कम किया जा सकता है, अभी इस पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रिजल्ट तैयार करने जाएंगे बोर्ड, तो हो सकता है कि अगर उनके सीट के अनुसार लड़के नहीं मिले तो इस परसेंटेज को कुछ कम किया जा सकता है, चाहे इस पर कोई भी मतलब डिसाइड हो सकता है, क्योंकि आप सीबीटी 1 में भी देखे थे, वहाँ पे भी आपका परसेंटेज कम किया गया था, तो ये हो सकता है। लेकिन अभी ऐसा कोई प्रक्रिया नहीं है या कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब बात करते हैं कि सीबीटी पार्ट ए में जिनके भी 30+ नंबर बढ़े हैं, पार्ट ए की बात करें तो 30+ भी नंबर बढ़े हैं, 15-20 नंबर तो बहुत सारे स्टूडेंट के बढ़े हैं मैक्सिमम को, पार्ट ए की बात करें, लेकिन वहीं पार्ट बी में मात्र 5-7 नंबर मैक्सिमम बढ़े हैं, और किसी किसी के सेम भी रहे हैं, कम भी हुए हैं, या 0.365 ऐसे करके भी नंबर इंक्रीज हुए हैं। तो यहाँ बहुत कम नंबर इंक्रीज हुए हैं नॉर्मलाइजेशन में, और अभी भी पार्ट बी में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पूरी तरह से क्लियर नहीं हुई है, किसी के बढ़े हैं, किसी के सेम रहे हैं, अभी भी समझ में नहीं आ रही है। तो इस पे हो सकता है कि कुछ इसमें अभी भी चेंजिंग हो या नहीं हो, क्या हो, उसका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो इस पे हम लोग अभी ज़्यादा पूरा बात नहीं करते हैं, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग पूरा डिटेल्स बात करेंगे। तो देखिए, मैं बता रहा हूँ कि जिनके भी पार्ट बी अभी के अनुसार 35 नंबर हैं, उनको साइको की तैयारी करनी चाहिए। पार्ट ए में उनके जनरल वाले के अगर 40 भी नंबर हैं, उनको साइको की तैयारी करनी चाहिए, हो सकता है कि उस जोन की कटअप कम जाए, तो आपका कटअप जोन वाइज निकलेगा। तो मैं यहाँ ओवरऑल बता रहा हूँ, न कि जोन वाइज बता रहा हूँ, तो यहाँ आपके कटअप कुछ हाई हो सकती है। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, अगर आपके वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पे कोई भी डाउट है तो कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए, हम आपको कटअप बताते हैं। सबसे पहले टेक्नीशियन की बात करें तो देखिए, इनका अभी कोई साइको नहीं है, यहाँ से ही डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बनेगी, तो इनका कटअप हो सकता है हाई जाने की चांस है, क्योंकि पार्ट ए में सभी के नंबर अच्छे खासे बढ़े हैं। तो जनरल की बात करें तो 54 से 58, ओबीसी 52 से 55, एससी की बात करें तो 58 से 52,
और एसटी की बात करें तो 48 से 45 से 48 देख सकते हैं, क्योंकि आरपीएफ में देख सकते हैं ओबीसी की कट ऑफ हाई जा सकती है, यहाँ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग अगर इससे हैं आसपास प्लस माइनस, यहाँ भी मैं दो नंबर बताता हूँ, तो आप लोग अपने को सेफ समझ सकते हैं। अब बात करते हैं पीसीएम की, तो जहाँ आप लोग भी जानते हैं कि पीसीएम वाले के नंबर पहले भी अच्छे थे, जो उनके अटैम्प्ट भी गुड अटैम्प्ट करके आए थे और नॉर्मलाइजेशन भी नंबर बढ़े हैं, तो यहाँ कट ऑफ हाई जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सीट भी कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा सेलेक्ट किए गए थे सीबीटी में 15 गुना से ज़्यादा हर जोन में, किसी किसी में 15 गुना नहीं तो मैक्सिमम में 15 से ज़्यादा। तो ओबीसी की बात करें तो 72 से 47, 74। एसटी की बात करें तो 68 से 72, एसटी की बात करें तो 60 से 70। तो इतनी कट ऑफ हाई जाने की चांस है, इसमें भी प्लस माइनस दो नंबर आप लोग इंक्लूड कर लीजिएगा। तो अगर इतने नंबर हैं तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और अपने अपने नंबर ज़रूर कमेंट करें। अब बात करते हैं हम लोग एलपी के लिए, तो देखिए यहाँ पे मैं पहले भी बता देता हूँ, अगर प्लस माइनस दो नंबर हो सकती है आगे पीछे, अगर पार्ट बी आपके क्लियर हैं, अगर जनरल वाले के 40 से 45 नंबर भी हैं तो साइको की तैयारी करें, हो सकता है कि किसी जोन में 42 43 नंबर भी जा सकती है कट ऑफ। मैं इसमें हाई कट ऑफ बता रहा हूँ आपको, मैं सब वीडियो में पहले बताता था नॉर्मलाइजेशन से पहले की मार्क्स 40 है तो आपका ज़रूर इतने बढ़ के आए हो गए होंगे। अब ओबीसी की बात करें तो 48 से 54, एसटी की 45 से 48 और एसटी की 40 से 45, तो आपको यहाँ 8 गुना को सेलेक्ट करना है, तो यहाँ कट ऑफ कम बेसी होने की चांस अधिकतर ज़्यादा है, तो यहाँ पे कम बेसी हो सकता है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके पार्ट बी में 35 नंबर हैं तो आप साइको की तैयारी ज़रूर करें, क्योंकि हो सकता है पार्ट ए की कट ऑफ हाई कम बेसी हो सकता है, तो साइको में बहुत कम टाइम दिया गया है, तो साइको की तैयारी चालू कर दें। और कोई भी डाउट अपने अपने नंबर ज़रूर शेयर करें, कोई भी डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू, कोई भी अपडेट आती है तो हम आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।